हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, वो भी बगैर मावे के, एकदम मावे जैसी, सिर्फ बेसन से बनाएंगे और बिना चाशनी के बनाएंगे। तो इसी के साथ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और साथ में रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन होती है उसे जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक आ सके। तो चलिए इस मिठाई को बना लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप बेसन। आप किसी भी अपने घर में कप का मेजर लगा सकते हो। हमने ये बारीक वाला बेसन लिया है, आप इस रेसिपी में मोटे वाला बेसन भी ले सकते हैं। तो 1 कप बेसन लिया है, इसको हम सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई में रोस्ट करेंगे। हल्का सा गैस को ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम ये भारी तले का बर्तन रखेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, कढ़ाई वगैरह, उसमें हम ये बेसन डालेंगे और बेसन को चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। बेसन को हमें बस हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना ताकि ये थोड़ा सा भून जाए, इसकी जो कच्ची कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाए। बस इतना ही हम बेसन को पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने बेसन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अभी देख सकते हो आप इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है और कलर बिल्कुल भी नहीं बदला है, बस हमने इसका जो कच्ची स्मेल होती है उसको निकाला है। अभी इसमें हम डालेंगे देसी घी, जो कि वो भी हमने 1 कप ही लिया है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे बेसन के साथ। तो अभी हम थोड़ा सा घी के साथ भी बेसन को भूनेंगे ताकि घी के साथ और बेसन अच्छे से पक जाए। अभी आपको मिल्क पाउडर डालने के बाद एक बात और ध्यान रखनी है, आप गैस को तुरंत बंद कर दीजिए और तभी आप इस मिल्क पाउडर को बेसन के साथ मिलाइएगा, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएगी जिनको समेटने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए हमने मिल्क पाउडर को बेसन के साथ मिला लिया है और ये बहुत ही अच्छे से मिल चुका है और हमें मिल्क पाउडर को पकाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही अच्छा लगता है। अभी इसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही बनाएंगे बगैर ड्राई फ्रूट के, एकदम मावे जैसी बर्फियां। तो अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल मावे जैसा ही लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए करिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये लीजिए, ये हमारा जो मिल्क पाउडर है ये अच्छे से इसके साथ सेट हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे शुगर, तो अभी हम इसमें शुगर डाल देते हैं। ये हम 2 कटोरी शुगर डालेंगे, आप मीठा अपने हिसाब से डालिएगा जितना खाना पसंद करते हैं आप। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं चीनी को। चीनी को देख सकते हो आप अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम फिर से गैस को बंद कर देते हैं और अभी हम इसमें डालेंगे दूध। ये गरम करके हमने ठंडा किया हुआ दूध लिया है, तो ये डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। तब तक मिलाएंगे हम तब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये लीजिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी हम दोबारा से गैस को ऑन कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा थिक करेंगे, चलाते हुए इसे थिक करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें कोई कोई हमें गुठलियां दिख रही है,
ये अपने आप से अभी खत्म हो जाएगी जैसे जैसे ये ठीक होता जाएगा। अभी हमें थोड़ा सा ठीक होने पर इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये हमने एक चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस बैटर को हमें डो वाली फॉर्म में लेके आना है। अब चलाते हुए अब ये एक से दो मिनट में डो वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा बैटर डो वाली फॉर्म में आ गया है। और अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। अभी हम कोई प्लेट या कोई केक टिन लेंगे, उस पर हम घी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसको अच्छे से फैला देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। और इसमें हम ये जो हमने बैटर बनाया है ये डालेंगे। और बहुत ही अच्छे से इसमें सेट करेंगे। तो ये लीजिए हमने सेट कर दिया है। अभी इस पर आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हो, बादाम पिस्ता। अभी हम इस पर सिर्फ चांदी का वर्क लगाएंगे, वो भी बाद में। पहले हम इसे दो घंटे के लिए पंखे के नीचे रखेंगे। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं एक घंटे के लिए। तो चलिए इसको हम रख देते हैं पंखे के नीचे। दो घंटे हो चुके हैं। अभी हमारा ये जो बर्फी वाला बैटर था ये अच्छे से सेट हो चुका है केक टिन में। ये हमने ऊपर से चांदी का वर्क लगा दिया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। पहले थोड़ा सा हम चाकू की सहायता से इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि ये निकालने में आसानी से निकल जाए। अभी हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर पलट देंगे और हाथों से इसे टैप करेंगे। तो ये लीजिए एकदम अच्छे से सेट हुआ है और आराम से ये निकल भी गया है। अभी हम इसके बर्फिया कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने कट कर लिया है और एक एक बर्फी निकाल दी है। अभी आपको मैं दिखा भी देती हूँ एक बर्फी निकाल कर कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट बर्फियां बनी है। तो देखा होगा आपने कितनी आसानी से हमने इस रेसिपी को बनाया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो आप त्योहारा का सीजन चला हुआ है तो मेरे तरीके से आप इस मिठाइयों को बनाइए और मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।